नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब नज़र तफसीली खबरों पर। गणेश त्यौहार और मुहर्रम सादगी से मनाएं। भैंसा शहर में गणेश त्यौहार और मुहर्रम के पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी, समाजी और गणेश मंडली जिम्मेदारान के हमरा अमन कमेटी अजलास नरसिम्हा मंदिर कल्याणा मंडप में मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ जिम्मेदारान खिताब करते हुए कहा कि सबसे बड़ा त्यौहार आपसी मोहब्बत और अमन है। दोनों मजाहिब के जिम्मेदारान ने अपने त्यौहारों को अमन के साथ मनाने की बात कही। पी कृष्णा सदर टाउन भैंसा TRS और टी रामू जनरल सेक्रेटरी TRS ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात कोरोना के पेश नज़र अवाम को चाहिए कि वो समाजी फासले को बरकरार रखते हुए त्यौहार को मनाएं। इस इजलास में शिरकत करने वालों में सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल RDO, बबरू महाराज, डॉक्टर नागेश, बालाजी सूत्रे, गाली रवि के अलावा नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद मौजूद थे। भैंसे से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। रुकन असम्बली मधोल जीवी ठराडी के हाथों चेक की तकसीम। आज मौजूए मधोल MLA कैंप ऑफिस में पी धनालक्ष्मी, जो के भैंसे के मुतवतन हैं, इन्हें रुकन असम्बली मधोल जीवी ठराडी के हाथों ₹36,000 CM रिलीफ फंड चेक दिया गया। धनालक्ष्मी ने रियासती हुकूमत और जीवी ठराडी की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह की इमदाद अवाम के लिए काबिल राहत है और कहा कि ऐसे इमदाद में जीवी ठराडी की दिलचस्पी भी अहमियत की हामिल है। इस मौके पर भैंसा टाउन सदर पी कृष्णा, टोटारामू जनरल सेक्रेटरी, मधोल MPP अफरोज खान के अलावा TRS कारकुन सूरी मौजूद थे। मधोल से हमारे नुमाइंदे अब्दुल अवेस की रिपोर्ट।
आलूदगी की रोकथाम रियासती हुकूमत का अहम मकसद। इंदिरा किरण रेड्डी। आज सुबह 11 बजे वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के हमरा सनत नगर पीसीबी दफ्तर में एक इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में आलूदगी पर खसूसी तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है, ख़ासकर COVID-19 बायोमेडिकल कचरे के इंतजाम पर बुनियादी तौर पर इस्तफसार किया और आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वह तमाम रियासत में अपनी कारकर्दगी को बढ़ाए। वो मुसलसिल आलूदगी पैदा करने वाले कारखानों दवाखानों का दौरा करते हुए रिपोर्ट तैयार करे और अगर वो इस पर अमल ना करे तो उन्हें नोटिस जारी करते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दे। रियासती हुकूमत आलूदगी से मुतालिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहती। आज रियासत तेलंगाना में आलूदगी को कम करने के जिमन में करोड़ों रुपये की लागत से हरितहरम के तहत शजरकारी की गई और कहा कि अवाम में आलूदगी से मुतालिक शऊर बेदारी करना अहदेदारों का अहम फरीजा है। इस इजलास में आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी नीतू कुमार प्रसाद, सी विश्वनाथ, JCE CY नागेश, JCES सत्यनारायण के अलावा दीगर मौजूद। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा खादरी की रिपोर्ट। कोरोना के खात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर अहम जरिया। निज़ामबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी। निज़ामबाद ज़िले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज विनायक नगर और अरसापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया और हेल्थ सेंटरों में COVID-19 टेस्टों का जायज़ा लेते हुए तफसीलात हासिल की और ख़िताब करते हुए कहा कि कोरोना के पेश नज़र टेस्टों में इजाफा किया जा रहा है। इस तरह ज़िले के 27 मराकज़ में 2500 अफराद का मुआयना किया जा रहा है और साथ ही कहा कि अवाम को इस बीमारी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, एहतियाती तदाबीर ही कोरोना का खात्मा है। निज़ामबाद से हमारे नुमाइंदे आसिफ पाशा की रिपोर्ट। वजीर फाइनेंस हरीश राव के हाथों डबल बेडरूम मकानात की तकसीम। सिद्दीपेट के अरकोड़ मौजू में 1,57,00,000 रुपये की लागत से तामीर करदा 25 डबल बेडरूम के दस्तावेजात वजीर फाइनेंस हरीश राव के हाथों तकसीम अमल में आए। हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि एक डबल बेडरूम मकान पर 15,00,000 रुपये खर्च आया। इस मकानात की तकसीम में कोई भेदभाव किए बिना तकसीम अमल में लाया गया, जिस पर OBC तबका 4, SC 4, BC 13, ST 1, मुस्लिम अखिलती तबका 3 शामिल है और कहा कि डबल बेडरूम सिर्फ और सिर्फ मुस्तहकीन तक पहुँचाया जाएगा। कोरोना टेस्टिंग में तेलंगाना बहुत पीछे, किशन रेड्डी का इल्ज़ाम। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क के दीगर रियासतों के मुकाबले में काफ़ी पीछे है और साथ ही कहा कि रियासत तेलंगाना मरकजी हुकूमत की पॉलिसी की मुखालिफत में काम कर रही है। अगर मरकजी हुकूमत पर अमल करती तो हालात कुछ और होते और साथ ही वजीर सेहत इटाला राजेंद्र को मशवरा दिया कि वो टेस्टों की तादाद में इजाफा करते हुए तमाम तर सहूलियात फराहम करें। नागार्जुना सागर डैम पानी का अखराज। मुसलसिल हो रही बारिश के पेश नज़र मुख्तलिफ आबी ज़खायर ज़ेर-ए-आब हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बांधों के दरवाजे खोलते हुए पानी का अखराज किया जा रहा है। इस तरह कल शाम नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी का अखराज किया। पानी के अखराज से कबल नागार्जुना सागर इलाके में 144 नाफिस करते हुए मुकम्मल बंदोबस्त किया गया ताकि कोई हादसा पेश न आए और साथ ही करीबी इलाके को चौकस रहने की हिदायत दी। कल रात 3,70,755 क्यूजिक्स पानी का अखराज किया गया। सिरसिलम हादसा तहकीकात अव्वल दर्जे में पहुंच गया। सिरसिलम पावर प्लांट वाकया जिसमें आतिशगी का हादसा पेश आया था और उस हादसे में 9 अफराद की अमवात हो चुकी थी, इस हादसे की तहकीकात के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 2 कमेटियां तैयार की गई थी, जिस पर CID के सरबरा गोविंद सिंह DIG इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात के पहले नतज के तौर पर मुख्तलिफ पहलुओं से मुआयना किया और शवाहद जमा किए। कुछ वायर्स को जमा किया जिसके ज़रिए बरखी सरबरा किया जाता था और कुछ बयानात भी रिकॉर्ड किए। मज़ीद तहकीकात जारी है। रियासत तेलंगाना में 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़। ट्रस्मा सदर यादगिरी शेखर राव की मुसलसिल जद्दोजहद और कोशिशों के बाद आज रियासती हुकूमत की जानिब से एक प्रोसीडिंग जारी करते हुए रियासत तेलंगाना में 1 सितंबर से ऑनलाइन तालीम करने का ऐलान किया और साथ ही 27 अगस्त से असातिज़ा मदारिस से रुजू होने के अहकाम जारी किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।